प्यारे दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसकी इज्जत ना हो, लेकिन इज्जत उसी की होती है जिसके पास अच्छी दौलत हो, इज्जत उसी की होती है जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, इज्जत उसी की होती है जिसके पास अच्छी जॉब हो। और हमारे यहाँ जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कदर नहीं होती, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी इज्जत नहीं की जाती। और वैसे भी हमारे माशरे का असूल है कि किसी से 100 रुपया भी उधार ले लो, पहली बात तो वो देता नहीं है, अगर दे देता है तो फिर उसके एहसानात का बदला पूरी ज़िंदगी बंदा नहीं चुका सकता, वो बातें कर करके दूसरे बंदे को मार देता है। ठीक है, तो अगर आप के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है तो इंशाल्लाह आपका कर्ज दूर हो जाएगा। अगर आप दुकानदार हैं, आपकी दुकान पर गाहक नहीं आते, आप मालो दौलत अच्छी तरह कमा नहीं रहे, तो ये वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको गनी कर देगा। अगर आप गरीब हैं तो इंशाल्लाह आप मालदार हो जाएंगे। आपके रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि इस बंदे ने क्या किया है कि थोड़े ही दिन थे कि इसके पास कुछ भी नहीं था, फूटी कोड़ी भी नहीं थी, और अब इसके पास इतना मालो दौलत कहाँ से आ गया, इसने क्या ऐसी जादू की छड़ी आई है कि इसके पास मालो दौलत के ढेर लग गए हैं, मैं भी पता करूं वो खुफिया राज क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आपने करना यह है कि आपने जुमे वाले दिन, ठीक है, जुमे वाले दिन आपने जुमे के बाद, ठीक है, जुमे के बाद आपने किसी भी वक्त, चाहे ये अमल मस्जिद में कर लें, घर में बैठ कर लें, किसी भी जगह पर आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, चलते फिरते आप ये अमल कर सकते हैं। तो अल्लाह की रहमत के साथ इस अमल से आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपके रिश्तेदार और अजीज़ वकारब हैरान व परेशान हो जाएंगे और आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और आपकी सारी परेशानी और सारी टेंशन ही मालो दौलत और पैसा है वो आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने करना यह है कि आपने जुमे के बाद आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, अव्वल आखिर 21 मरतबा। ठीक है, ये पढ़ने से पहले 21 मरतबा आपने पहले और 21 मरतबा बाद में। तो अलबासितु, अलबासितु रिज़्क फराग करने वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो बंदा इस लफ्ज़ को पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क में इतनी बरकत अता कर देगा कि उसे गायबी तरीके से ऐसे रिज़्क मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वो मकरूज है तो उसके जो जिसने उस बंदे से पैसे लेने हैं वो वैसे ही भूल जाएगा कि मैंने इस बंदे से पैसे भी लेने हैं, वो आपको कॉल करना छोड़ देगा, वो आपसे राबता ही नहीं करेगा, उसके जहन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सारी बातें भुला देगा कि उसने आपसे इतने पैसे लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना मुजर्रब अमल है, इसे जब आप करेंगे फिर आप देखेंगे कि इसके कमालात क्या है। तो आप ये तस्बीह इस्तेमाल कर सकते हैं इस अमल को पढ़ने के लिए। जरा आप इसकी इजाज़त का मामला अच्छी तरह जरा सुन लें कि आपको इसकी इजाज़त लेने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरे नंबर पर आपने ज़कात इसकी लाजमी दे देनी है। हसबे तौफीक आप 5 रुपये दे दें, 10 रुपये दे दें, 20 दे दें, जितनी आपको तौफीक है, चाहे आपको जितनी मर्जी पैसों की तौफीक है आप उतने ही मस्जिद में दे दें या किसी गरीब को दे दें। तो तीसरे नंबर पर यह अमल आपने जुमे वाले दिन करना है और जुमे के बाद आपने ये अमल स्टार्ट करना है। और जुमे के बाद आपने करना यह है कि आपने किसी भी जगह बैठ जाना है, बैठने के बाद आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ठीक है, और फिर आपने ये अलबासितु अल्फाज जो हैं आपने 841 मरतबे पढ़ने हैं, इसके लिए आप तस्बीह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जब तादाद ख़त्म हो जाए 841 मरतबा, फिर आपने आखिर में 21 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिम ही पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, ये दुरूद आपने मुकम्मल पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद जो खसूसी अमल है वो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आपने दुआ करनी है और सच्चे दिल के साथ करनी है और पूरे यकीन और एतमाद के साथ दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी जितनी भी परेशानी है दूर फरमा, मुझे मेरे ऊपर कर्ज है वो भी ख़त्म कर दे और मेरी दुकान को ऐसे चला कि मेरे पास दौलत के ढेर लग जाएं। तो अल्लाह की रहमत से कुछ ही दिन में आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी, आपके पास दौलत की इतनी फरावानी हो जाएगी कि आपके रिश्तेदार परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह की रहमत आपके इतनी बरसेगी, आप पर इतनी बरसेगी कि आपका घर दौलत माल और दौलत से भर जाएगा और आप खुद हैरान होंगे देख के कि यार मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया और मेरे पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। और जिसने आपसे कर्ज लेना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उसके जहन से ये ख्याल ही ख़त्म हो जाएगा कि उसने आपसे पैसे भी लेने हैं, वो ऐसे ही भूल जाएगा, तो आपको उसकी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह है, ये गफूरुर रहीम है, ये सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये हर चीज को जानने वाला है, वो जानता है कि आप परेशान हैं, आप मकरूज हैं, आप को दौलत की ज़रूरत है, आपको मालो दौलत की ज़रूरत है, आप परेशान हैं, वो आपकी हर परेशानियाँ दूर दूर कर देगा। ठीक है, तो परेशान मत हुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन करके आप ये अमल करें, अल्लाह की रहमत से आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, ओके, अल्लाह हाफिज़।